हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही रिनॉन एक्सपर्ट हैं, अश्विनी तनेजा जी, जो कि पहले इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर रह चुके हैं और अभी वो प्रैक्टिस करते हैं एज ए लॉयर इनकम टैक्स और बेनामी एक्ट में, और काफ़ी फेमस एक्सपर्ट्स में से एक हैं। आज आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनको सुन के। एंड ही इज़ अपियरिंग बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उनसे आज हम जानेंगे कि बेनामी एक्ट जानना हमारे लिए सबसे पहले क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली हमें से काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो जब भी कोई नया लॉ आता है तो हमें समझ नहीं आता कि भाई हमें उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। लेकिन आज जब आप उनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स को, एडवोकेट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बल्कि कॉमन पब्लिक के लोगों को भी बेनामी एक्ट को डिटेल में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या प्रोविजंस हैं बेनामी एक्ट के जो उसको इतना इंपॉर्टेंट और इतना वाइटल बनाते हैं हम सबके लिए, वो एक बार जानते हैं अश्विनी तनेजा जी से। तो मैं हैंड ओवर कर रही हूँ अश्विनी तनेजा जी को। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है शेफाली जी। मेरा मानना ये है कि बेनामी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट सरकार हमारे सामने लेकर आई है जिससे कि हर नागरिक इससे इफेक्टेड होने वाला है, चाहे वो रिच क्लास को बिलोंग करता हो, पुअर क्लास को बिलोंग करता हो, रूरल बैकग्राउंड का हो, अर्बन बैकग्राउंड का हो, पब्लिक सर्विस में हो, पॉलिटिशियन हो, PSU का एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, एवरीबडी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दिस लॉ। इसलिए इस लॉ को जानना बहुत, कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा ना सिर्फ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बेनामी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि जो किसी भी रूप से किसी भी क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एडवोकेट हो, चाहे इनकम टैक्स लॉ में एडवाइस कर रहे हों या किसी और तरह से एडवाइस कर रहे हों, उनको बेनामी लॉ जानना ज़रूरी है। बल्कि उनको पर्सनल कैपेसिटी में भी बेनामी लॉ जानना ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन ना हो गए हों। इसलिए पर इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि एक मिनिमम कोई अमाउंट हो जिसकी वजह से कि इसी पे एप्लीकेबल होगा। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बेनामी लॉ की नॉलेज हर एक को जानना ज़रूरी है। मैं कुछ कारण आपके सामने रखता हूँ। उसमें से सबसे पहला कारण तो ये है कि अब सरकार का जो एम्फेसिस है वो इस तरह के लॉज पे ही होने वाला है, जिस तरह से बेनामी लॉ है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, PMLA है, ब्लैक मनी एक्ट है। क्योंकि जो ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, जितनी भी वायोलेशंस हो रही हैं बहुत सारे कानूनों की हमारे देश में, सरकार को लगता है कि इनकम टैक्स लॉ या GST सफिशिएंट नहीं है उनको टैकल करने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कानून आने वाले हैं, और चाहे कोई सी भी सरकार हो, अब इसका आना अनिवार्य है। उसके बिना इकोनॉमी को कंट्रोल करना, इसकी जो हमारे देश की गतिविधियाँ हैं उनको सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। इसलिए आने वाले टाइम में इस पर खूब एम्फेसिस होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो मेरा आंसर है वो तो यही है कि एम्फेसिस ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ऑन दीज काइंड्स ऑफ लॉ, पर्टिकुलरली बेनामी लॉ इन टाइम्स टू कम। दूसरी बात, एक अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि साहब बेनामी लॉ तो साहब अब आया है 2016 में, तो साहब अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, पर पुराने ट्रांजेक्शन तो कवर हैं, जो पुराने ट्रांजेक्शन हैं उस पर तो कवर होगा नहीं, तो हमें क्या चिंता करनी, आगे से हम देखेंगे। लेकिन जिस तरह से ये कानून बनाया है वो उसका रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन भी संभव है, द वे इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में स्ट्राइक डाउन द रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, बट एज ऑन डेट इट हैज़ गॉट इट्स रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने की वजह से जो पुराने ट्रांजेक्शन भी इसमें कवर हो सकते हैं, क्योंकि पुराना एक्ट एक 1988 में लाए थे जो कि डोरमेंट था। अब जो अमेंडमेंट एक्ट लाए 2016 में, उसको पुराने एक्ट में डोवटेल किया, तो जिसकी वजह से जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूटिव हैं उनका कहना यह है कि हम इसको 1988 से ही इफेक्टिव मानेंगे। तो इसलिए जाने अनजाने में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हो गए हों जो बेनामी ट्रांजेक्शन हो या नहीं हुए हों, वो कैसे पता लगेगा जब तक आप बेनामी लॉ को नहीं जानेंगे। तो इसलिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई ब्रदर हमारा एडवोकेट हो, सो ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेदर यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट, वेदर यू आर डूइंग प्रैक्टिस इन दिस लॉ और नॉट, बट यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ बेनामी लॉ। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज दैट इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली इन इनकम टैक्स लॉ, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरप्ले बिटवीन इनकम टैक्स लॉ एंड बेनामी लॉ। ये दोनों एक्ट इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जब भी आप कोई इनकम टैक्स लॉ में कोई रिप्लाई देंगे, चाहे भले ही आप इनकम टैक्स लिटिगेशन करते हों
या आप भले ही सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो या सिर्फ एडवाइजरी का काम करते हो, कोई भी एडवाइस देंगे या कोई भी आप रिप्लाई फाइल करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेनामी लॉ में कोई लैप्स आपके क्लाइंट से या आपसे नहीं हुआ हो। सो द रिप्लाई हैज़ टू बी वेटेड फर्स्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ बेनामी लॉ, देन फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल और एनी अदर एंगल। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस एंगल आल्सो, इसमें कुछ इस तरह के प्रोविजंस भी हैं that persons who will be involved in abatement or induction of benami law will also be liable for prosecution. Abatement or induction se matlab hua ki agar koi benami transaction kisi ki advice se hua ho, chahe wo professional ho ya non professional ho, kisi ki advice se ya induce karne se hua ho benami transaction, un logon ko bhi is law mein prosecution ke liye responsible declare kiya hai. They are also liable to be prosecuted under section 53 for being guilty of offense of benami transaction. और उसकी punishment same है जो benami transaction करने की है। और वो क्या punishment है वो भी हमें जानना चाहिए कि जब कोई benami transaction करता है तो सबसे पहले तो उसकी property attach होती है, उसके अलावा उसके ऊपर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है by the special court under section 53. And apart from that, he may also be held liable to pay fine up to 25% of मार्केट वैल्यू ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, यानी कि जिस दिन बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ हो उस दिन जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हो उसका 25% फाइन उसको पे करने की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट थिंग विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीजन भी बहुत जरूरी है, प्लीज जानिए इसको, कि अगर बेनामी लॉ में बेनामी प्रोसीडिंग्स में अगर बेनामी ऑफिसर जो भी बेनामी ऑफिसर है बेनामी अथॉरिटी जो इस प्रोसीडिंग्स में जो भी अथॉरिटीज हो सकती हैं, यानी कि इनिशिएटिंग ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी जो इसमें प्रिस्क्राइब है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसी से और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय द उस पर्सन के द्वारा जिससे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, देन ही दैट पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 54 एंड फॉर विच द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 10% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है और 10% फाइन है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी जो जिस दिन बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ हो उस दिन का। देन इसके अलावा जाने अनजाने में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो सकते हैं जो हुए हों जो अब बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर हो रहे हों, क्योंकि इसमें जो एक्सक्लूजन हैं जो सेविंग है वो सिर्फ स्पाउस और चाइल्ड के लिए है, बाकी रिलेटिव्स के लिए भी पूरी 100% एक्सक्लूजन नहीं है, वो जानना जरूरी है। अगर आपने अपनी मदर या अपने फादर या अपने ब्रदर या अपनी सिस्टर के नाम से कोई प्रॉपर्टी ली हो और उसमें आप जॉइंट ओनर नहीं हो तो वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी अगर आप उसमें खुद अपने आप को ओनर डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह के कुछ केसेस आए हैं जहां जाने अनजाने में बेनामी ट्रांजेक्शन हुए हैं और उसमें कोई इंटेंशन का भी स्कोप नहीं है, बैड इंटेंशन और गुड इंटेंशन, इट में डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड नॉन प्रोसिक्यूशन, बट एज फार एज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज कंसर्न, द मूवमेंट बेनामी ट्रांजेक्शन इज डन, प्रॉपर्टी इज लायबल टू बी अटैच्ड। तो इसलिए माई डियर फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ बेनामी लॉ इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वेदर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, एंड इवन इफ इज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग इन एनी फील्ड, नॉलेज ऑफ दिस लॉ इज एसेंशियल। थैंक यू।